अंधेरे में बैठी हूँ। तरस आता है मुझे तुम पर रिमझिम, पता है तुम्हें? खाली घर में अपनी ही आवाज गूंजती है। किससे बात करोगी अब तुम? दीवारों से, तस्वीरों से? नहीं 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 नहीं, तुम तो अपने गोपाल जी से बात करोगे। क्या सोच रही हो? पछता रही हो कि तुमने मुझे चैलेंज किया था? क्या कहा था तुमने कि मैं अविनाश को तो क्या, उसके सपने तक को तुमसे नहीं छीन सकती। लेकिन देखा तुमने, मैंने अविनाश को, तुम्हारे घर को, तुम्हारे पूरे परिवार को तुमसे छीन लिया। तुम्हारी रोशनी भी तुमसे छीन ली। खंगम चक्र गदेषु चाप परिघाम चूलं भुशुण्डिं शिरः शङ्खं सन्दधतिं करैस्त्रिनयनाम् पलट कर देखो श्वेता, तुम्हारे पागलपन की झलक साफ नजर आएगी। ये सब क्या है? रोशनी, अभी थोड़ी देर पहले ही तुम कह रही थी ना कि तुमने हमारी जिंदगी से सारी रोशनी छीन ली। लेकिन शायद तुम भूल गए श्वेता कि जब रोशनी तेज हो जाती है ना, तब आंखें चुंधिया जाती है। तुम्हारे साथ भी वही हूं। अपने साये को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, आज तक नहीं पकड़ पा। तुम्हें क्या लगता था श्वेता कि हमारे घर की बुनियाद इतनी कमजोर है, तुम्हारे चुटकी बजाते ही हिल जाएगी? अरे तुम तो क्या, तूफान भी आ जाए तो हम लोगों को अलग नहीं कर सकता है। बोलो श्वेता, है कोई जवाब तुम्हारे पास? श्वेता, हमारे घर के बच्चे संस्कारों में पले हैं, हमारी बेटी बहू में रिश्तों का मतलब समझते हैं। और उनको निभाना भी जानते हैं। नहीं माँ जी, इस औरत को लगा कि वो हमारे और अविनाश के रिश्ते को एक पल में तोड़ देगी। खेल तो तुम्हारा था श्वेता, लेकिन पासे हमारे थे। चाले बेशक तुम चलती थी, लेकिन हमारी मर्जी से। चाले बेशक तुम चलती थी, लेकिन हमारी मर्जी से।
याद है श्वेता, तुम अविनाश को हमारे घर लेकर आई थी। उसी दिन अविनाश ने हमें सब कुछ बता दिया था। कि तुम किस तरह उन्हें ब्लैकमेल कर रही। बाबूजी, अभी अभी अविनाश ने हमें सारी बात बताई है। अविनाश की इसमें कोई गलती नहीं है। श्वेता उसे ब्लैकमेल कर रही है, ये सब उसकी चाल है। हद से ज्यादा बढ़ रही है ये श्वेता, और हम इसे रोकने के लिए कुछ कर भी नहीं सकते। पर हम कर भी क्या सकते हैं? माँ जी, हमारे पास एक तरीका, एक प्लान है। उसकी दुश्मनी हमसे है, उसे सिर्फ हमसे प्रॉब्लम है। बेटा, बहुत चालाक औरत है वो, हमारे किसी भी प्लान में फंसने वाली नहीं है। बाबूजी, श्वेता की दुश्मनी हमसे है। वो चाहती है कि आप सब हमें छोड़कर उसके पास चले जाए। तो आप सब चले जाइए बाबूजी, उसका विश्वास जीत लीजिए। हमें पूरा विश्वास है वो अपने ही जाल में फंस जाएगी, और हमें पूरा विश्वास है कि हम जरूर सफल होंगे। मत रो रिंजन, मत रो बेटा, मत रो। और फिर माँ जी, वो भी तुम्हारे साथ गई थी। जिस घर में मेरे बेटे नहीं रहते, वहां मैं एक पल भी नहीं रहूंगी। चलो अविनाश, अब मैं यहां नहीं रहूंगी। आ जाओ। माँ जी प्लीज, बाबूजी रोकिए ना माँ जी को। तुम्हें क्या लगा तुम्हारी खुशी के लिए वो गई? हम सब ने माजी को तुम्हारे पास भेजा था तुम्हारा विश्वास जीतने के लिए। और श्वेता ऑफिस में जो पूजा हुई, वहां जो तमाशा हुआ, देखिए अविनाश अंकल, आपके जाते ही मेरी रिमझिम आंटी किस तरह से मुझे ट्रीट कर रही है। विक्की, ये हमारे घर का मामला है। किसी बाहरी आदमी को हमारे घर के मामले में बोलने का कोई हक नहीं। डोंट इन्वॉल्व हिम। वो भी हम सब ने मिलजुल के प्लान किया था। क्योंकि हमें पता था तुम इतनी बेवकूफ हो कि वो सारी बातें मान जाओगे। माँ जी की चिट्ठी, ये चिट्ठी उन्हें दे देना। मुझे पूरा भरोसा है कि ये पढ़ते ही वो यहाँ आ जाएंगे। श्वेता, तुम्हें सचमुच लगा बाबूजी तुम्हारे घर चले जाएंगे? वो चिट्ठी भी हमने कहा था माँ जी को लिखने के लिए, इसलिए बाबूजी तुम्हारे घर तुम्हारे साथ गए। और ये सारी बातें तुमने सिर्फ इसलिए मान ली श्वेता, क्योंकि तुम्हें अपने आप पर जरूरत से ज्यादा विश्वास था। घमंड था, घमंड गुरूर था। और उस घमंड और गुरूर ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया। तुमने अभी श्वेता को पहचाना नहीं रिमझिम, ये लड़ाई यहां खत्म नहीं हुई है। तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को इस घर से भी बाहर निकाल कर फेंक दूंगी, जिस तरह से उस घर से बाहर निकाला था। किस घर की बात कर रही हो तुम श्वेता? ये घर, वो घर, कल भी हमारा था और आज भी हमारा। क्यों राकेश भाई? श्वेता, मैंने बहुत बड़ी भूल की जो तुम्हारे बहकावे में आकर अपने परिवार को छोड़कर तुम्हारे पास चलाया। लेकिन जब मुझे तुम्हारे नापाक इरादों के बारे में पता चला, मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया था कि तुम्हें तो मैं बर्बाद करके छोड़ूंगा, कि तुम्हें तो मैं बर्बाद करके छोड़ूंगा। और इसीलिए सबसे पहले मैंने उन लोगों को खरीदा था
जिन्हें तुमने मुझ पर नजर रखने के लिए कहा था। देख, मैं तुझे 20 लाख रुपए दूंगा। 20 लाख? मुझे करना क्या होगा सर? सिर्फ चुप रहना होगा। अरे सर, इतने पैसों के लिए मैं तो क्या, मेरा पूरा खानदान मौन व्रत रख लेगा सर। ये देखो, इन फाइलों को पहचानती हो ना तुम? उस घर को जिसे तुम अपना समझती हो, हमारी टेक्सटाइल मिल्स जिन पर अब तक तुम्हारा कब्जा था, मैंने अपनी होशियारी से वो सब वापस हासिल कर लिया है। और अब भूल कर भी उस घर की तरफ कदम मत बढ़ाना श्वेता। उस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। और अगर तुमने ऐसा करने की जुर्रत की तो श्वेता, मैं तुम्हारे साथ वो सलूक करूंगा जो तुमने कभी हमारे साथ किया था। ये नहीं हो सकता। लेकिन ये हो चुका है श्वेता। श्वेता, खेल में सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं जीतता, कभी कभी पासे अपना घर बदल देते हैं और दुश्मन के घर चले जाते हैं, जैसा कि तुम्हारे साथ हुआ। बहुत भरोसा था ना तुम्हें अपने प्लान पर, बहुत खुशी हो रही थी तुम्हें किसी का घर बर्बाद करने में। एक पल की खुशी ने तुम्हें जिंदगी भर के अंधेरे में लाकर खड़ा कर दिया। मुझे इतना कमजोर मत समझना अविनाश। तुम्हें कमजोर कौन समझ रहा है श्वेता? तुम तो बहुत बड़ी खिलाड़ी हो, लेकिन तुम ये भूल गई कि कभी कभी जीतने वाले हारते भी हैं। तुम जीत गई थी ना, तो फिर इस हार से इतनी परेशान क्यों? आवी की तुमने पागलखाने में फोन तो कर दिया है। रिमजी आंटी, पागलखाने तो फोन में ऑलरेडी कर चुका हूं। वहां से लोग आ रहे होंगे और साथ में पुलिस भी ला। मैं पागल नहीं हूं, नहीं हूं मैं पागल। आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? मैं पागल नहीं हूं। नहीं हूं मैं पागल। अविनाश, मैं सबको बता दूंगी कि तुमने मेघा का बच्चा ईशा की गोद में डाल दिया था। मैं सबको बता दूंगी कि तुमने मेघा का बच्चा ईशा की गोद में डाल दिया था। तुम क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो? भला मैं अपनी बेटी का बच्चा किसी और के गोद में डाल दूंगा? सच्चाई यही है कि तुमने बच्चा बदला है। एक मिनट, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है ना? रिलैक्स बेटा। एक बार तुमने हमारे साथ भी यही किया था। किस्मत ने देखो आज तुम्हें कहां पर लाकर खड़ा कर दिया। पीछे मुड़कर देखो, तुम्हारा वक्त आ गया। मृत्योमुखीयमामृतार्थो
इंस्पेक्टर साहब, यही है वो पागल जो हमारे घर में घुस गई है। मैं पागल नहीं हूँ। हर पागल यही कहता है मैडम। देखिए, आप लोग मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं पागल नहीं हूँ। पागलखाना चलिए, आपको सब पता चल जाएगा आप पागल है कि नहीं। चलिए ले जाइए इंस्पेक्टर साहब इसे, वरना ये औरत हमारा घर बर्बाद कर देगी। अविनाश, अविनाश मैं जाती हूँ, तुमने ये सब किया है, छोड़ो मुझे। गर्व, अच्छा तुम आ गए। गर्व, मैं, ये लोग मुझे पागल खाने ले जा रहे हैं, मैं पागल नहीं हूँ। अविनाश ने मेघा का बच्चा ईशा की गोद में डाल दिया। ईशा का बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। कर, मेरी बात का यकीन करो। मैं ईशा का बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था।